हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डू इट यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हाउ टू रिपेयर योर लैपटॉप, और इसमें आज हम देखेंगे कि अगर आपका पावर अडैप्टर खराब हो जाता है तो उसे घर बैठे बैठे किस तरह रिप्लेस करना है। किसी शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिपेयरिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे उसे रिपेयर करा सकते हो। बहुत सिंपल है, ईजी है। उसमें चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपके लैपटॉप का एक पावर अडैप्टर होता है, ये इस तरह दिखेगा आपको। यहाँ पावर अडैप्टर अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो ये पावर अडैप्टर को हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी आपको दिखाया कि लैपटॉप किस तरह ओपन करना है। अभी इसके अंदर कहाँ पावर अडैप्टर होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये पावर अडैप्टर का अपना सॉकेट है, तो सबसे पहले यहाँ का स्क्रू हमने रिमूव करके आपको दिखाया पहले। तो अभी इसे आराम से आपको ऊपर निकाल लेना है, जो लॉक होता है आपके पावर अडैप्टर की पिन को होल्ड करने के लिए। इसके अंदर आप देख पा रहे हो आपका पिन होल्ड होता है। अब यहाँ पर आपको ये जो पिन दिख रहा है, तो ये पिन है आपका एलसीडी का। तो एलसीडी का पिन आपने को रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपको दिखता है कि इसे सीधा ऊपर उठा लेना है या आपके फिंगर से प्रेस करना है। ये फिंगर से प्रेस करोगे तो आपका एलसीडी का जो सॉकेट है ये इस तरह निकल जाएगा। इस तरह निकलने के बाद इसे साइड में कर देना है। तो यहाँ से एक आपको पावर का पिन दिखेगा, ये पावर का पिन भी यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। इस तरह रिमूव होने के बाद यहाँ पर आपको लॉक दिखेगी। यहाँ पर ये दोनों लॉक को आपको ओपन कर देना है। स्क्रीन को एक हाथ से पकड़ के रखिए। निकालने के बाद ये दिख रहा है आपको, इस तरह नीचे चल जाएगा। यहाँ से हम इसे पिन निकालने के बाद यहाँ पर इसे दोनों साइड से लॉक होते हैं, जो आपको इस तरह आपको ऊपर करना है। इस तरह ओपन करने के बाद देख पा रहे हो ये सीधा सा शॉकेट है, जो आप घर बैठे बैठे रिपेयर करा सकते हो। सेम इसी तरह इसको यहाँ पर इंसर्ट करा देना है नए शॉकेट को। इस तरह टेस्ट करने के बाद आपको दिख कर आएगा कि आपका सिस्टम रन हो रहा है।